नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं, देखिए यूपीटेट एग्जाम जो कि 2023 में आपके आने वाले हैं। अभी तक जो आपकी यूपीटेट एग्जाम हुई है 2011 से लगाकर 2022 तक के, बाल विकास के सिद्धांत जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और हर एक प्रश्न की व्याख्या की गई है। आपने देखा होगा यदि आपने पेपर दिया होगा तो, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित पूछे गए हैं। लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं बाल विकास में आपके यूपीटेट एग्जाम में। तो यदि ये वीडियो आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके 5 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न को यहाँ पर डिटेल में आपको समझाया गया है। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। टोटल यहाँ पर जो प्रश्न रखे गए हैं वो 65 से 70 रखे गए हैं। यहाँ पर 65 से 70 प्रश्न निकल के आए हैं 2011 से लगाकर 2022 तक। इतने प्रश्न सिर्फ बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित ही पूछे गए हैं, तो वीडियो बड़ा हो जाता क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रश्न को आपको समझा जाएगा। तो ये 2 पार्ट में बनाया जाएगा, है ना। तो पहला पार्ट है जिसमें समथिंग आपको यहाँ पर 35 प्रश्न मिलेंगे, और जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपको 35 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन हर एक प्रश्न को यहाँ पर समझा जाएगा। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। शुरू करने से पहले यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन स्टडी विद डीके को। और ये जो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी वो बिना एड के, यानी एड यहाँ पर एक भी बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। अब पढ़ाई आपको करना है बिना एड के, बिना टेंशन के, है ना। किसी भी प्रकार का आपको चार्ज नहीं देना है, फ्री में ये पीडीएफ आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। तो हमारे जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, रेटिंग जरूर दे दीजिएगा ना, रेटिंग का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए सारी चीजें आपको फ्री में उपलब्ध हो रही है, तो रेटिंग जरूर दे दीजिएगा डाउनलोड करके। और ये जो ऐप हमने बनाया है इसमें एड किसी भी प्रकार का आपका नहीं आएगा, तो आपको बेफिक्र होकर पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है ना। तो ये जो पीडीएफ है आज या फिर कल देखने को आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक। यहाँ पर देखिए बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। ये अभी हाल ही में जो आपकी यूपीटेट की 2022 में एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है, क्या केटल है, थोंडाइक है, बन्नन है या फिर स्किनर है। तो देखिए जहां पर तरल क्रिस्टली प्रतिमान पूछा जाए आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर केटल होगा, है ना। बुद्धि के जो तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन होंगे, केटल होंगे। अब बुद्धि से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट सिद्धांत है वो भी यहां पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर कल तो आपको ये पीडीएफ मिली जाएगी, वहां पर आराम से पढ़ लीजिएगा एक बार और। तो यहां पर देखिए सिद्धांत दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ प्रवर्तक दिया हुआ है। यदि आपसे पूछा जाता है कि एक तत्व के जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया है। द्वितत्व और त्रितत्व, है ना, द्वितत्व और त्रितत्व ये दोनों ही जो सिद्धांत दिए हैं ये किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है, द्वितत्व और त्रितत्व का सिद्धांत। बहुतत्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये थोंडाइक के द्वारा दिया गया है। समूह तत्व का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। आगे हम बात करें तो प्रतिदर्श जिसे हम नमूना सिद्धांत भी कहते हैं इसको किसके द्वारा दिया गया है, तो इसको थॉमसन के द्वारा दिया गया है। त्रिआयाम सिद्धांत, त्रिआयाम सिद्धांत की हम बात करें तो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। तरल वट्ठो सिद्धांत ये केटल के द्वारा दिया गया है, जैसा कि हमने भी आपको बताया था, है ना। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, इसे तरल व ठोस के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तो ये केटल के द्वारा दिया गया है। और पदानुक्रम या फिर क्रमिक महत्व सिद्धांत ये बट एवं वर्णन के द्वारा दिया गया है। त्रिचापी सिद्धांत या फिर त्रिघट के सिद्धांत के बारे में पूछे तो ये स्टनबर्ग के द्वारा दिया गया है। और जो ये दो सिद्धांत है ये भी इंपोर्टेंट है, लेवल फर्स्ट और लेवल टू का जो सिद्धांत है ये जॉनसन के द्वारा दिया गया है, और बुद्धि क तथा ख का जो सिद्धांत है ये हेब के द्वारा दिया गया है। फिर जो 11 सिद्धांत है और एक 12 जो कि त्रि तत्व का सिद्धांत है उसमें एड नहीं, जो कि मैंने आपको बताया, जो 11-12 सिद्धांत हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट है, ये आगे पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करें, दूसरा प्रश्न है आपका यहाँ पर सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। सीखने के प्रयास व भूल का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था, कोहलर के, गेस्टाल्ट के, थोंडाइक के या फिर पावलाव के। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ये जो सिद्धांत दिया गया है ये थोंडाइक के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, सीखने का जो प्रयास व भूल का सिद्धांत है ये थोंडाइक के द्वारा दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। यहाँ पर देखिए थोंडाइक के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, प्रयास व भूल का सिद्धांत। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि थोंडाइक ने किस पर अपना प्रयोग किया, तो आपको पता होना चाहिए किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था, है ना। और थोंडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए हैं ये इंपोर्टेंट है, और आपको क्रमवाइज याद होना चाहिए। तो थोंडाइक ने जो नियम बताए हैं वो
दो नियम बताए हैं। पहला है आपका मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत कितने नियम आते हैं तो याद रखिएगा, इसके अंतर्गत 3 नियम आते हैं और गौण नियम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं। ये इंपोर्टेंट है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मुख्य नियम कौन कौन से हैं और गौण नियम कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मुख्य नियम के अंतर्गत आपका आएगा तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इन तीनों नियमों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहले नंबर पर आपका तत्परता का है, दूसरे पर अभ्यास का है और तीसरे नंबर पर आपका प्रभाव का नियम है। अब गौण नियम के बारे में, कि गौण नियम कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं तो आपके सामने हैं। पहला है आपका बहुअनुक्रिया का नियम है, दूसरा है आपका आंशिक क्रिया का नियम है, तीसरा मनोवृत्ति का नियम जिसे रुचि का नियम भी कहते हैं, चौथा आपका सादृश्यता का नियम जिसे पूर्व अनुभव का नियम भी कहा जाता है, और पांचवा नियम है आपका साहचर्य रूपांतरण का नियम। ये 5 प्रकार के जो नियम होंगे ये गौण नियम के अंतर्गत आएंगे और ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसी प्रकार के यूपी टेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें तो 3 विकल्प और वहां थे, पावलाव, स्किनर, है ना, और गेस्टाल्ट सिद्धांत वहां पर विकल्प थे। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं कि जो अनुकूलित अनिक्रिया सिद्धांत है ये पूछा गया है, वैसे आगे हम बताएंगे। तो आपको यहां पर पहले बता दूं मैं कि ये याद रखना आपको कि अनुकूलित अनिक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो आगे जब प्रश्न आए तो आप मेयर से पहले वहां पर टिक कर दे कि सर इसका विकल्प ये सही होगा। तो याद रखिएगा ये पावलाव के द्वारा दिया गया था अनुकूलित अनिक्रिया का सिद्धांत, और इसका जो प्रयोग है किस पर किया गया था पावलाव के द्वारा, तो कुत्ते पर किया गया था, है ना। याद रखिएगा ये जो थॉर्नडाइक ने किस पर किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। किस पर किया था? बिल्ली पे, है ना। और यहाँ पर पावलाव ने किस पर किया था? कुत्ते पर। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जिसे एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ये स्किनर के द्वारा किया गया है। इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था, तो इन्होंने चूहों तथा कबूतरों पर। याद रखिएगा यदि पूछा जाए कि वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने चूहे और कबूतर दोनों पर अपना प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा वह है स्किनर। और स्किनर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया गया है। गेस्टाल्ट सिद्धांत की हम बात करें जिसे सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा कि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, प्रतिपादक कौन है, वो आपके कोहलर है ना। और कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो याद रखिएगा सुल्तान नामक चिंपाजी पर किया था, जिसका वनमानुष पर किया था, है ना। वनमानुष यदि विकल्प में दे दे तो भी सही होगा, वो सुल्तान नामक चिंपाजी देते तो भी आपका सही आंसर होगा, है ना। याद रखिएगा सुल्तान नामक चिंपाजी या फिर वनमानुष पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अब यहाँ पर देखिए जिन प्याजे भी विकल्प में था, तो जिन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है। इनकी जो 4 अवस्था है वो इंपोर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। अब कौन सी पहली है, कौन सी दूसरी है, कौन सी तीसरी, कौन सी चौथी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर पर आएगी आपकी संवेदी पेशी अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। आपको इसकी अवधि भी साथ में याद रखना है ना, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था है आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी जो अवस्था है वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है ना। और चौथी जो अवस्था होगी वो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से आगे की जो अवस्था होती है, फिर 15 वर्ष तक की अवस्था होती है, वो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है। साथ में आपको यहाँ पर अवधि और इसकी अवस्था के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी पहले नंबर पर आएगी, कौन सी दूसरे पे, कौन सी तीसरे पे और कौन से चौथे नंबर पर आएगी। इस प्रकार से भी प्रश्न आगे आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। किसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ये प्रश्न भी आपकी हाली एग्जाम हुई थी यूपी टेट, उसमें पूछा गया है। ड्रेवर है, वुडवर्थ है, थॉर्नडाइक है या फिर मैकडूगल है, सरल सा है, सभी को इसके बारे में पता होगा। यहाँ पर कोई सा ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको इसके बारे में पता नहीं होगा। 14 प्रकार से वर्गीकृत किसके द्वारा किया गया है मूल प्रवृत्तियों को, मैकडूगल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मैकडूगल के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि यदि आपसे पूछ जाए कि 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो किसके द्वारा बताई गई है, तो वो मैकडूगल के द्वारा बताई गई। लेकिन 2 मूल प्रवृत्तियां ये किसके द्वारा बताई गई है, विकल्प में ऐसा दे दिया जाता है कि जन्म मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ये जो 2 मूल प्रवृत्तियां हैं ये किसके द्वारा दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए ये फ्रायड के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? फ्रायड के द्वारा। फ्रायड ने मुख्यतः 2 मूल प्रवृत्तियां बताई है, एक जन्म मूल प्रवृत्ति है और दूसरी है आपकी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए ये किसके द्वारा दी गई है, तो फ्रायड के द्वारा दी गई है। चलिए चौथा प्रश्न है आपका, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण
जिसको हम ध्यान भी कहते हैं या फिर अवधान कहा जाता है, यह कथन है। यहां पर देखिए कथन पूछा गया है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण जो अवधान है या फिर जो ध्यान है, ये जो कथन है ये किसका है? डम्बिल का कथन है, मैकडूगल का कथन है, मन का है या फिर रास का है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है इसके बारे में पूछा गया है ये किसका है। तो याद रखिएगा जो दिया गया कथन है ये डम्बिल का कथन है। आगे आपसे यहाँ पर रास या फिर मार्गन और गिनलेन के बारे में पूछा जा सकता है जो कि ध्यान से ही संबंधित है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ध्यान किसी वस्तु या विचार को मन से पहले स्पष्ट रूप से प्राप्त करने की प्रक्रिया है, यह किसके द्वारा कहा गया या फिर ये किसका कथन है, तो ये रास का कथन है ना। यदि पूछा जाता है कि ध्यान हमारे वातावरण में कुछ विशिष्ट कारक के लिए उत्सुकता से जीवित है, तो ये किसका कथन है, तो याद रखिएगा ये मार्गन और गिल्डलैंड का कथन है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, दोनों के कथन के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। एक रास का कथन है और एक मार्गन और गिल्डलैंड का कथन है ना। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजनन शास्त्र के पिता है ना, ये प्रश्न भी अभी हाल ही में जो यूपीटेट आपकी एग्जाम हुई थी 2022 में उसमें पूछा गया प्रश्न है। क्रो एंड क्रो है, उडवर्थ है, रास है या फिर गाल्टन है? यहाँ पर सुजनन शास्त्र के पिता से किसका नाम जुड़ा हुआ है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये सॉरी ये जुड़ा हुआ है आपका फ्रांसिसी गाल्टन है ना। यहां पर गाल्टन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ना, फ्रांसिसी गाल्टन है ना। सुजन शास्त्र के पिता से किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो गाल्टन का नाम जुड़ा हुआ है। यहां पर इनके बारे में सारी जानकारी दी गई है कि फ्रांसिसी गाल्टन सुजनन शास्त्र के पिता है। साथ में यदि आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया और कब किया गया, तो यह किया गया था आपका 1885 में, और किसके द्वारा किया गया, तो फ्रांसिसी गाल्टन के। याद रखिएगा सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का जो प्रयोग है वो 1885 में फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया। साथ में यदि आपसे पूछा जाए कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया और कब किया गया, तो ये 1990 में किया गया था। किसके द्वारा? केटल के द्वारा किया गया था। यहाँ पर बुद्धि से संबंधित बात हो रही है। यदि आपसे गाल्टन से संबंधित कथन पूछा जाए तो बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? यदि आपसे पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कि गाल्डन का कथन है। किसका है? गाल्डन का कथन है। तो ये छोटी छोटी बातों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है छठा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यहां पर देखिए बुद्धि के द्विकारक, त्रिकारक या फिर द्वितत्व, त्रितत्व इसी को कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था, क्या थोर्नडाइक है, स्टर्न है, वर्नन है या फिर स्पीयरमैन है? तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था, या फिर जो द्वितत्व वहां पर बताया था, तो द्वितत्व कह लीजिए इसको या फिर द्विकारक कह लीजिए, है ना, दोनों ही एक ही है। तो द्वितत्व पूछे या फिर द्विकारक पूछे, सही आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? स्पीयरमैन होगा। या फिर द्विकारक के साथ साथ त्रिकारक भी पूछे तो ये भी आपका किसके द्वारा दिया गया है, तो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। ये आपको याद रखना, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दोनों ही स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए हैं। आगे हम बात करें, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, यानी कि किसने किसके प्रयोग में, मतलब कुत्ते पर किसने अपना प्रयोग किया था, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। क्या वो स्किनर, यहां पर स्किनर लिखा हुआ है ना, क्या स्किनर है, कोहलर है, थोर्नडाइक है या फिर पावलोव है? तो यहां पर कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, कुत्ते पर किसके द्वारा किया गया था, तो पावलोव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पावलोव के। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अब जितने भी वैज्ञानिक है, जो इंपोर्टेंट वैज्ञानिक है, उन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था, उनका सिद्धांत कौन सा है, सारी जानकारी आपको देंगे, है ना। तो सबसे पहले तो यहां पर आंसर लिखा हुआ है पावलोव, है ना। तो यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया है, कौन से सिद्धांत में कुत्ते पर प्रयोग किया है, तो वो है आपका शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया? पावलोव के। प्रयोग किस पर किया है? कुत्ते पर, है ना। यदि थार्नडाइक के बारे में पूछे कि थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया है, वो पूछा ही गया है, तो बिल्ली पर किया है। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत दिया है। स्किनर की आपसे पूछ जाए
कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है और प्रयोग किस पर किया है। तो इनका जो सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया है वो चूहे पर किया है, कब किया है 1930 में, और साथ में कबूतर पर भी किया है, और कबूतर पर कब किया है 1943 में। तो चूहा और कबूतर दोनों यदि साथ में आए तो टिक आपको स्किनर करना है, यदि चूहा भी दे दे तो भी स्किनर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पर कोहलर के बारे में पूछा जाए कि भाई कोहलर ने किस पर अपना प्रयोग किया था, तो सुल्तान नामक चिम्बा जो कि वनमानुष है उस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, और सिद्धांत कौन सा दिया था, तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है ना। आगे हम बात करें आठवें प्रश्न की, तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था, पावलोव के, स्किनर के, थॉर्नडाइक के या फिर कोहलर के। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में आपको बताया था, यदि आपने देखा होगा सुना होगा तो सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से स्किनर है ना। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था, स्किनर के द्वारा किया गया था, और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, चूहे पर किया था और कबूतर पर, चूहे पर 1930 में किया था और कबूतर पर 1943 में इन्होंने अपना प्रयोग किया था, और सिद्धांत था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, टीपिनन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने या फिर मोंटेसरी ने। किंडरगार्टन पद्धति के बारे में पूछा गया है, सरल सा प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसका आंसर पता नहीं होगा। सभी को पता होगा कि ये किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है, यदि आपसे पूछ जाए कि किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए बच्चों का बगीचा होता, क्या बच्चों का बगीचा है ना। और फ्रोबेल ने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला था, कब खोला था 1840 में, कहां पर खोला था, जर्मनी में खोला था। इन दोनों का ध्यान आपको रखना है ना। साथ में इस विधि में फ्रोबेल ने बच्चों को क्या रूप दिया है, पौधे के रूप में, और शिक्षकों को बागवान के रूप में चित्रित किया है। ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को पौधे के रूप में और शिक्षकों को बागवान के रूप में इन्होंने चित्रित किया है। किसके द्वारा किया गया है, तो ये फ्रोबेल के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यहां पर देखिए सही कौन सा युग्म नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सीखने का क्लासिक सिद्धांत या फिर सीखने का समग्र सिद्धांत। तो यहां पर कौन सा युग्म सही नहीं है इसके बारे में सीधा सीधा पूछा गया है। तो यहां पर देखिए सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, बिल्कुल सही विकल्प है आपका। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये बी एफ स्किनर के द्वारा दिया गया है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा है ना, सही विकल्प होगा। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी आपका पावलोव के द्वारा दिया गया है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। सीखने का समग्र सिद्धांत, सीखने का जो समग्र सिद्धांत है ये आपका हल के द्वारा नहीं दिया गया है, याद रखिएगा ये किसके द्वारा दिया गया है, ये आगे बात करेंगे। राइट आंसर आपका क्या होगा, जो युग्म सही नहीं होगा वो आपका फोर्थ वाला नहीं होगा, और यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हल्के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, तो और ये कहां के रहने वाले थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे, और सी एल हल्के द्वारा प्रबलन का जो सिद्धांत है वो दिया गया है, ना कि आपका सीखने का समग्र सिद्धांत। सीखने का जो समग्र सिद्धांत है उसे अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा कि अंतर्दृष्टि या फिर जो सूझ का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये कोहलर के द्वारा दिया गया है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो कोहलर के द्वारा यह दिया गया है ना कि हल्के द्वारा। हल्के द्वारा कौन सा दिया गया है, प्रबलन सिद्धांत दिया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अधिगम में रिक्तिस्तान ने प्रभाव का नियम दिया था, यहां पर देखिए प्रभाव का नियम, अभी मैंने आपको बताया था प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम है ना, ये जो नियम मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही बताया था, किसके द्वारा दिए गए हैं ये आपको यहां पर बताना है, पावलोव के द्वारा, स्किनर के, वाटसन के या फिर थॉर्नडाइक के। तो यहां पर थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था किसके द्वारा दिया गया है, तो ये जो अधिगम में रिक्तिस्तान ने प्रभाव का जो नियम दिया है ये आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। मैंने आपको बताया था नियम कितने प्रकार के बताए हैं, दो प्रकार के बताए हैं, पहला है आपका मुख्य नियम, सबसे पहले जान लेते हैं थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया गया है, इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया है, तो बिल्ली पर किया है। कितने नियम बताए हैं, दो नियम बताए हैं, पहला है मुख्य नियम, दूसरा है गौण नियम, और मुख्य नियम
मैं कितने नियम बताए हैं? तीन नियम बताए। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसका आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य नियम के अंतर्गत ये तीन नियम आते हैं और गौण नियम के अंतर्गत ये पांच नियम आते हैं, जो कि बहु अनुक्रिया का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, मनोवृत्ति का नियम है जिसे रुचि का नियम भी कहा जाता है, सादृश्यता का नियम जिसे पूर्व अनुभव का नियम भी कहा जाता है, और साहचर्य रूपांतरण का नियम। ये पांच प्रकार के जो नियम होंगे ये आपके गौण नियम के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे TAT भी कहा जाता है, यहां पर शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, इसको TAT परीक्षण के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहां पर पूछा गया कि इसका जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया था? साइमन के द्वारा, होल्ट्जमैन के द्वारा, मूरे के द्वारा या फिर बेलक के द्वारा। काफी इंपोर्टेंट है, जितने भी यहां पर परीक्षण है उनके बारे में एक एक करके बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसका सही आंसर क्या होगा? आपका मूरे होगा, है ना। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण पूछे या फिर TAT परीक्षण पूछे, इसका जो निर्माण किया है किसके द्वारा किया गया है? मूरे के द्वारा किया गया है। तो यहां पर देखिए थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दूंगा, याद रखिएगा। यहां पर जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है इसे व्यक्ति को मापने की एक प्रक्षेपी परीक्षण है। किस प्रकार का परीक्षण है? व्यक्तित्व को मापने का एक ये प्रक्षेपी परीक्षण है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए मैं यहां पर TAT की जानकारी दूंगा आपको, CAT की दूंगा और IBT की जो परीक्षण है, तीनों इनके बारे में आपको एक एक करके जानकारी दूंगा और सारी जानकारी दूंगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें यहां पर TAT, है ना, TAT परीक्षण के बारे में। इसको क्या कहा जाता है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। सबसे पहले इसके प्रतिपादक की बात करें तो मूरे के साथ साथ यदि मॉर्गन भी दे तो भी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि मॉर्गन एवं मूरे, ये मॉर्गन एवं मूरे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, है ना। और कब किया गया था? तो ये 1935 में किया गया था। इन्होंने कार्ड के सहारे व्यक्तित्व का परीक्षण किया। किसके द्वारा? किसके सहारे? व्यक्तित्व का जो परीक्षण है वो कार्ड के सहारे किया। किसके सहारे? कार्ड के, है ना। और जो कार्ड है उनकी संख्या कितनी थी? तो 30+1 यानी कि टोटल कितनी थी? 31, है ना। अब ये एक क्यों है इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो इस परीक्षण में जो पहले 10 कार्ड हैं, यानी कि 10 कार्ड में जो 10 कार्ड है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जो 10 कार्ड है वो पुरुषों से संबंधित है, और दूसरे जो 10 कार्ड है वो किससे संबंधित है? तो वो महिला से संबंधित है, और बाकी के जो 10 कार्ड है वो किससे संबंधित है? वो दोनों से संबंधित है, उसमें महिला भी इंक्लूड है और पुरुष भी इंक्लूड है। और जो एक है ये क्या है? एक कार्ड खाली रहता है। किस प्रकार का रहता है? ये खाली कार्ड रहता है। 10, 20, 30 और 1, 31, टोटल यहां पर 31 कार्ड रहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में, है ना। आगे हम बात करें तो इसमें बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। कम से कम 10 कार्ड पर कहानी लिखवाई जाती है। कितने कार्ड में? कम से कम 10 कार्ड में, है ना। तो याद रखिएगा इसमें बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है, और इसका जो प्रयोग है वो 14 वर्ष से अधिक बालकों पर ही किया जाता है। पूछा जाए कि किसका प्रयोग 14 वर्ष से अधिक बालकों पर ही किया जाता है, तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। सॉरी, CAT की बात करें, बाल अंतर्बोध परीक्षण, है ना। CAT के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बाल अंतर्बोध परीक्षण। इसके प्रतिपादक कौन है? तो लियोपोल्ड बेलक है ना। लियोपोल्ड बेलक ने इसको कब प्रतिपादित किया गया था, किया इनके द्वारा कब किया गया था? तो 1948 में। कब किया गया था? 1948 में, है ना। और इसमें जो विकास का योगदान था, विकास का योगदान किसके द्वारा किया गया था? तो ये डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिश के द्वारा किया गया था। डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिश के द्वारा, है ना, क्रिश लिखा हुआ है। और इसमें जो कार्ड की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो इसमें जो कार्ड की संख्या होती है वो 10 होती है ना। प्रासंगिक अंतर्बोध में कितनी थी आपकी? 31 थी। लेकिन जो बाल अंतर्बोध परीक्षण है इसमें कितनी संख्या होगी आपकी? 10 संख्या होगी कार्ड की। और इस परीक्षण में 10 कार्ड पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। इसमें पुरुष और महिला के चित्र बने होते थे, और इसमें किसके चित्र बने होते हैं? जानवरों के चित्र बने होते हैं। और बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने के लिए इसमें कहा जाता है। और यहाँ जो परीक्षण है वो कितने से कितने वर्षों तक के बच्चों के लिए है? तो यहाँ पर जो परीक्षण है ये 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए ये परीक्षण था, तो है ना। कौन सा परीक्षण कितने वर्ष के बच्चों के लिए था इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। आगे हम बात करें यहाँ पर IBT के बारे में, इंक बोट टेस्ट, है ना, स्याही धब्बा परीक्षण। इसके बारे में पूछा जाता है कि स्याही धब्बा परीक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो याद रखिएगा ये हरमन रोरसा, है ना, हरमन रोरसा के द्वारा
ये प्रतिपादित किया गया है। और इस परीक्षण में जो कार्ड पर स्याही के धब्बे बने होते, कार्ड पर किसके धब्बे बने होते हैं, स्याही के धब्बे बने होते हैं, और इसमें भी 10 कार्ड का ही उपयोग होता है। 5 कार्ड पर काले और सफेद जो धब्बे होते हैं, वो 5 कार्ड पर काले और सफेद दोनों के धब्बे होते हैं, और बाकी जो 5 है उसमें विभिन्न रंग के धब्बे होते हैं। बाकी के जो रंग है वो बाकी के जो 5 जो कार्ड बचे हुए हैं उन पर लगे होते हैं। और बालक को आकृति दिखाकर उनके बारे में पूछा जाता है, कलर के बारे में या फिर उन धब्बे जो बने हुए हैं उनके बारे में पूछा जाता है, रंग के बारे में पूछा जाता है। और इसमें बालक के क्रियात्मक भावात्मक संज्ञानात्मक परीक्षण किए जाते हैं, किसमें, स्याही धब्बा परीक्षण में। ये आपको साथ में ध्यान रखना है कि इसका जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था, जैसे कि प्रासंगिक अंतर्बोध का अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, मैंने आपको बताया था मार्गन एवं मूरे, है ना। बाल अंतर्बोध परीक्षण के बारे में पूछे किसके प्रतिपादक कौन है, तो लियोपोल्ड बेलक है, आपको पता होना चाहिए। स्याही धब्बा परीक्षण के बारे में पूछे तो हरमन रोरसा है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये 3 जो परीक्षण मैंने आपको बताए हैं ये काफी इंपोर्टेंट है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न हम बात करें तो अल्बर्ट बंडूरा के बारे में पूछा गया है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। अल्बर्ट बंडूरा क्या यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, क्या यह व्यवहारात्मक सिद्धांत से संबंधित है, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है, या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से संबंधित है। यहां पर अल्बर्ट बंडूरा के बारे में पूछा गया है, तो आपको पता होगा ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है अल्बर्ट बंडूरा, है ना। पहला वाला विकल्प जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। इन्होंने अपना जो प्रयोग है वो किस पर किया था, सबसे पहले जान लेते हैं। सॉरी थोड़ा सा खांसी है, अवॉइड करिएगा इसको, है ना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे, कहाँ के, अमेरिका के। इन्होंने जो अपना प्रयोग है वो किस पर किया था, तो इन्होंने जो अपना प्रयोग है वो बेबी डॉल पर किया था। और याद रखिएगा साथ में यदि पूछा जाए आपसे कि प्रक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, यदि डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि प्रक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय ये किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा ये भी बंडूरा के द्वारा ही दिया गया है। और अल्बर्ट बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहते हैं, याद रखिएगा। यदि आपसे सीधे सीधे पूछा जाए कि प्रथम मानव व्यवहारवाद, सॉरी व्यवहार संज्ञानवादी किसे कहा जाता है, किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, तो वो अल्बर्ट बंडूरा को कहा जाता है। साथ में 3 विकल्प और थे, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जेबी वाटसन, जिन प्याजे वो सिगमंड फ्रायड। यदि आपसे व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में पूछ जाए तो वो जेबी वाटसन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पूछ जाए तो वो जिन प्याजे हैं, और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत के बारे में पूछ जाए तो वो सिगमंड फ्रायड है। इनके बारे में जब प्रश्न आएगा तो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। आपको बस अभी यही ध्यान देना है कि व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, जेबी वाटसन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक जिन प्याजे हैं, और मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड है ना। तो यह आपको सिर्फ इतना भी याद रखना है। चल आगे हम बात करें अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन। देखिए ये प्रश्न फिर से पूछा जा चुका है, थोड़ा सा घुमा दिया है लेकिन प्रश्न वही, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। इसके पहले 14 मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया था, सीधी सीधी पूछा गया था कि जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं वो किसके द्वारा दी गई है, लेकिन अब पूछा गया है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अब्राहम मास्लो है, सिप्सन है, विलियम जेम्स या फिर मैकडूगल है। तो जिनके द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियां दी गई, जिनके द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियां दी गई, वही जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है वो ही इनके द्वारा दिया गया है। तो 14 मूल प्रवृत्ति किसके द्वारा दी गई है, तो मैकडूगल के द्वारा दी गई है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। और यही अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है। यहां पर मैंने आपको बता ही दिया था कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, कितनी, 14। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि आपसे पूछा जाए कि जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति किसके द्वारा दी गई है, जो 2 मूल प्रवृत्ति है, तो फ्रायड के द्वारा दी गई है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। यदि आपसे पूछा जाए कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यदि यहां पर देखिए फ्रायड के बारे में बात हो ही रही है तो इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। यदि आपसे पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये फ्रायड के द्वारा दिया गया है। कहां के रहने वाले थे,
तो ये वियना के रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया के, है ना, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया वियान के ये रहने वाले थे। और याद रखिएगा साथ में कि यहाँ सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए मन के कितने स्तर बताए हैं, ये इंपोर्टेंट है ना। तो मन के कितने स्तर बताए इन्होंने, तीन स्तर बताए हैं। पहला है आपका चेतन मन, है ना, दूसरा है अर्धचेतन मन, तीसरा है अचेतन मन, है ना। इसका प्रतिशत भी पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछा जाए कि चेतन मन का जो प्रतिशत है सिगमंड फ्रायड द्वारा कितना बताया गया है, तो यदि प्रतिशत पूछा जाए तो आपका 10% है, और यदि भाग पूछा जाए तो 1/10 भाग है। ये आपको ध्यान रखना है, अर्ध चेतन मन का नहीं बताया है, अचेतन मन का बताया है। अचेतन मन का कितना प्रतिशत है, 90%, और भाग में पूछे तो ये 9/10 भाग है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मन के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में, इड, ईगो, सुपर ईगो, या फिर इदम, अहम और पराहम, ये तीन भागों में बांटा है, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ में सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक ने मन की तुलना बर्फ से की है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आपके फ्रायड होंगे। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है, बर्फ से की है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय पूछा गया है, ये किसके द्वारा दिया गया था, हल के, थॉर्नडाइक के, स्किनर के, या फिर वॉटसन के। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा, ये दिया गया था आपका स्किनर ने, है ना। अभिक्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था, B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मनोसामाजिक सिद्धांत है ना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्किनर ने किया था, थॉर्नडाइक ने, एरिक्सन ने, या फिर हललोक ने, है ना। मनोसामाजिक सिद्धांत ये काफी पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा दिया गया है, तो ये एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। एरिक्सन ने जो 8 अवस्थाएं बताई है, उससे काफी प्रश्न पूछे गए, तो इनकी 8 अवस्थाएं कौन कौन सी है ना, उन अवस्थाएं कितने से कितने वर्ष तक की अवधि की अवस्थाएं हैं, ये भी सारी जानकारी दूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। एरिक्सन द्वारा विकास का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, इनके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई। यदि आपसे पूछा जाए कि एरिक्सन ने विकास की जो 8 अवस्थाएं बताई है ना, वो कौन सी पुस्तक में बताई है, तो आपको पता होना चाहिए चाइल्ड एंड सोसाइटी नामक जो पुस्तक है, उसमें एरिक्सन द्वारा विकास की 8 अवस्थाएं बताई गई है। अब 8 अवस्था कौन कौन सी है, पहली है आपकी, ये ध्यान देना है कि पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी, चौथी कौन सी है, क्रम में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्रम वाइज आपको जमाना है, इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विश्वास बनाम अविश्वास, ये पहली अवस्था है ना। इसकी समय की हम बात करें तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, शेषव अवस्था कहा जाता है। और इसकी हम अवधि की बात करें तो इसकी जो अवधि है वो जन्म से 18 माह या फिर जन्म से 17 माह लिखा हुआ है ना, जन्म से 18 माह या फिर जन्म से 17 माह की जो अवधि होती है वो विश्वास बनाम अविश्वास होती है ना। दूसरी जो अवस्था इन्होंने बताई है वह स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता है ना, या फिर इसको कह सकते हैं शक है ना, शक बनाम आत्मनिर्भरता बनाम लज्जा है ना। चाहे आप इसको स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता कह लीजिए या फिर आत्मनिर्भरता बनाम लज्जा कह लीजिए है ना। ये दूसरी अवस्था है, इसकी जो इसकी कौन सी अवस्था है ये, तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था है। इस अवस्था को क्या कहेंगे आप, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहेंगे, और इसकी अवधि होगी 17 माह से 3 वर्ष इसकी अवस्था होगी। तीसरी जो अवस्था है वो पहल शक्ति बनाम दोषित है, ये तीसरी अवस्था है, और इसे क्या कहेंगे आप, इसे प्राक स्कूल वर्ष भी कहते हैं, और इसे पूर्व विद्यालय अवस्था भी कहा जाता है। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी यदि हम अवधि की बात करें तो 3 से 5 वर्ष तक की अवधि रहती है, पहल शक्ति बनाम दोषित की है ना। आगे हम बात करें तो परिश्रम बनाम हीनता, ये चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था है, परिश्रम बनाम हीनता है, या फिर इसे उद्यमिता बनाम हीन भावना भी कहते हैं है ना। इसकी यदि हम अवधि की बात करें तो 6 से 12 वर्ष तक इसकी अवधि रहती है, और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको विद्यालय आयु भी कहा जाता है,
परिश्रम बनाम हीनता या फिर उद्यमिता बनाम हीन भावना को, है ना। और इस अवधि को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है, या फिर आप विद्यालय आयु कह लीजिए या फिर उत्तर बाल्यावस्था कह लीजिए, ये दोनों ही परिश्रम बनाम हीनता को कहा जाता है। पांचवी अवस्था आपकी अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति है। ये पांचवी अवस्था बताई है एरिक्सन के द्वारा। इसकी समय अवधि के बारे में बात करें तो 12 से 18 वर्ष है और इसे किशोरावस्था का काल कहा जाता है। किशोरावस्था कहा जाता है इसे, किसे? अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति को, है ना। छठी अवस्था की हम बात करें तो घनिष्ठता बनाम अलगाव है, ये इनकी छठी अवस्था है। और इनकी समय अवधि की बात करें तो 18 से 35 वर्ष है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको आरंभिक वयस्क अवस्था कहा जाता है, साथ में युवा अवस्था भी कहा जाता है, या आरंभिक अवस्था कह लीजिए या फिर युवा अवस्था कह लीजिए। ये किसको कहा जाता है? घनिष्ठता बनाम अलगाव को कहा जाता है, जो कि एरिक्सन द्वारा छठी अवस्था दी गई है। सातवीं और आठवीं अवस्था कौन सी है? देखिए, सातवीं अवस्था है आपकी यहाँ पर सृजनात्मक, जिसे जननात्मक बनाम स्थिरता कहते हैं। और इसकी अवधि की हम बात करें तो 35 से 65 वर्ष तक की रहती है। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसे मध्यावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मध्यावस्था कहा जाता है। और आठवीं अवस्था की बात करें, यहाँ पर देखिए 17 नहीं लिखा है ना, सातवीं अवस्था है ना ये। आठवीं अवस्था की हम बात करें तो अहम संपूर्णता बनाम निराशय या फिर संपूर्णता बनाम हताश, ये अंतिम अवस्था है आठवीं अवस्था। इसकी समय अवधि की हम बात करें तो 65 वर्ष से मृत्यु तक, या कह सकते हैं कि इसे प्रौढ़ अवस्था कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद से प्रारंभ होकर मृत्यु तक की अवधि सम्मिलित होती, किसकी? या फिर प्रौढ़ अवस्था कह लीजिए, किसकी? अहम संपूर्णता बनाम निराशय। तो याद रखिएगा आठवीं अवस्था के बारे में। तो ये एक एक करके मैंने आपको बता दी है, ये भी ध्यान रखिएगा, पहली कौन सी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांच, छह, सात और आठ, है ना। पहले नंबर पे कौन सी, दूसरी पे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। क्रम से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चल अगला प्रश्न है 18वां, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? किसने बहुविमात्मक जो प्रज्ञा है, इसका जो प्रत्यय है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये पूछा गया है, है ना। ये स्पीयरमैन ने दिया गया है, जॉन मेयर ने, गार्डनर ने, या फिर गोल्डमैन ने। तो यदि आपने बहुबुद्धि का सिद्धांत यदि आपने पढ़ा है तो आपको यहां पर आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये जो बहुविमात्मक प्रज्ञा का जो प्रत्यय है इसी में से निकला हुआ शब्द है। तो याद रखिएगा, जो बहुविमात्मक प्रज्ञा का जो प्रत्यय है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको पता होगा सॉरी कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो गार्डनर के द्वारा दिया गया है। ये आपको यदि पता है तो आप यहां पर आंसर बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसको ये कह सकते हैं कि जो बहुविमात्मक प्रज्ञा का जो प्रत्यय है इसे बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जाना जा सकता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी आपको दे देते हैं कि देखिए, यहाँ पर बहुविमात्मक प्रज्ञा का जो प्रत्यय है किसके द्वारा दिया गया है, तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। कब दिया गया है? 1983 में दिया गया था, है ना, जिसे गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से? बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है सॉरी आठ प्रकार के। कितने प्रकार की? आठ प्रकार की। पहली है व्यक्तिक प्रबुद्धि, व्यक्तिक स्वबुद्धि, संगीत बुद्धि, शरीर गतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। ये आठ प्रकार की बुद्धि किसके द्वारा बताई गई है? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बताई गई है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? सामाजिक निर्माणवाद के जनक के बारे में पूछा गया है, कौन थे, है ना। पियाजे थे, नोवाक थे, वाइगोत्स्की या फिर ग्लास रफेल्ड थे, सामाजिक निर्माणवाद के जनक। तो सामाजिक जहां पर आ जाए आपका सही आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की, है ना। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? वाइगोत्स्की होंगे। सामाजिक निर्माणवाद को रचनावाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है ना। सामाजिक निर्माणवाद को इसके जनक कौन है? लेव वाइगोत्स्की। कौन है? लेव वाइगोत्स्की। यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये से प्रश्न काफी पूछे गए हैं आपके यूपीटेट एग्जाम में, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। यहां पर कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है इसके बारे में पूछा गया है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत,
परस्परता का सिद्धांत या फिर निरंतर विकास का सिद्धांत। तो यहां पर कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है यह पूछा गया है आपसे। तो यहां पर देखिए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है यह आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और निरंतर विकास का सिद्धांत, ये तीनों ही आपके विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत नहीं आता है। यहां पर देखिए कुछ 10 प्रमुख सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन शब्द है ये सिद्धांत नहीं है। क्या है? एक शब्द है। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये पावलोव के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? पावलोव के द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं 10 मैंने यहाँ पर सिद्धांत रखे गए वो कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर बाल विकास के प्रमुख 10 सिद्धांत है जिसमें निरंतर विकास का सिद्धांत है, विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत है, विकास क्रम का सिद्धांत है, विकास दिशा का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत है और वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है। 10 जो है प्रमुख सिद्धांत है और भी सिद्धांत है लेकिन जो इंपोर्टेंट है मैंने उनको रखा है, इनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। आगे हम बात करें तो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? बीने साइमन के द्वारा, स्टर्न के, टर्मन के या फिर सिरिलबर्ट के। तो यहां पर देखिए ये जो प्रश्न है ये काफी इंपोर्टेंट है, इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो वन बाय वन करके मैं आपको दूंगा। लगभग 6 से 7 पॉइंट बताऊंगा जिसको आपको ध्यान से सुनना है। मानसिक आयु के प्रत्यय के बारे में पूछे तो आपका सही आंसर क्या होगा? बीने साइमन ने, ना बीने और साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। काफी इंपोर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो पहले वाला जो विकल्प है वो आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कि मानसिक आयु का प्रत्यय बीने साइमन द्वारा दिया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, फ्रांसिस गार्डन के। कहां के रहने वाले थे? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कब दिया था? 1885 में। याद रखिएगा 1885 में सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गार्डन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। दूसरा यहां पर यदि आपसे पूछा जाए कि मानसिक परीक्षण एवं मापन जो नामक पुस्तक है किसके द्वारा प्रकाशित की गई तो ये केटल के द्वारा प्रकाशित की गई। कब की गई? 1890 में केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट मानसिक परीक्षण एवं मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। किसके द्वारा किया गया? तो ये केटल के द्वारा किया गया। साथ में यदि आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग तो ये केटल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1890 में, है ना। आगे हम बात करें कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण, यदि पूछा जाए कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा तैयार किया गया था तो यह 1905 में किया गया था, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। कौन सा? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, है ना, ये याद रखिएगा। ये कब तैयार किया गया था? तो 1905 में तैयार किया गया था। और मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, पूछा जाए कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया तो यह अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1908 में किया गया, है ना। छठा आपका यहां पर पॉइंट है, यदि पूछा जाए आपसे कि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसके द्वारा किया गया, यह इंपोर्टेंट है, काफी बच्चे इसको गलत करते हैं, आपको ध्यान रखना है। यह स्टर्न के द्वारा दिया गया, यहां पर कुहलमान विकल्प में नहीं होता है, ज्यादातर स्टर्न ही होता है। तो याद रखिएगा 1912 में दिया गया था, सर्वप्रथम स्टर्न और कुहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र, है ना। बहुत सारे बच्चे किसको सही कर देते, टर्मन को, टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का जो संशोधित सूत्र है वो दिया गया था, लेकिन सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था तो स्टर्न और कुहलमान के द्वारा किया गया था। ये इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे टर्मन को सही कर देते हैं लेकिन टर्मन वहां पर सही नहीं होगा। क्या सही होगा? आपका स्टर्न सही होगा। इनके द्वारा कौन सा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। यदि पूछा जाए आपसे विकल्प में कि सर्वप्रथम स्टर्न और कुहलमान द्वारा जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था वो कौन सा होगा तो वो आपका होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, है ना। यह सूत्र किसके द्वारा दिया गया था? आपका स्टर्न और कुहलमान के द्वारा दिया गया, क्योंकि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र है ना। इसको संशोधित किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था तो 1916 में इसको संशोधित किया गया था टर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा। इनके द्वारा क्या किया गया था? मात्र इनके द्वारा N2SO लगा दिया गया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु N2SO, है ना। यहां पर 100 लगा दिया यानी कि यह संशोधित सूत्र हो गया और ये किसके द्वारा किया गया था? टर्मन के द्वारा 1916 में
किया गया था। तो ये जो 5-6 पॉइंट है इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रति ये किसके द्वारा दिया गया था, टोलमेन के, बेंडुरा के, थोंडाइक के या फिर कोहलर के। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रति। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में आपको बताया था प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रति के बारे में। यदि चाहे तो आप भी इसका आंसर दे सकते हैं, क्या टोलमेन होगा, क्या बेंडुरा होगा, थोंडाइक होगा या फिर कोहलर होगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, बेंडुरा है ना, या फिर बेंडुरा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, तो बेंडुरा के द्वारा दिया गया। थोड़ी देर पहले इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दी थी कि प्रेक्षणात्मक अधिगम बेंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक प्रमुख घटक है, उसी में से लिया गया है आपका प्रेक्षणात्मक अधिगम, है ना। ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये बेंडुरा के द्वारा दिया गया है। और इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये कनाडा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा किस पर प्रयोग किया था, तो बॉबी डोल पर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। और इसी सिद्धांत को बेंडुरा का मॉडल द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाने का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन से सिद्धांत को, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को। चलिए अगला प्रश्न आपका, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है, ये काफी पूछा गया। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन थे, जॉन डीवी, ऑसबोर्न, हरलोक या फिर आशुबेल। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है, कौन थे, तो आपका सही आंसर होगा ऑसबोर्न, है ना। ये मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक थे। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि में बालक को कोई भी ऐसी समस्या प्रदान की जाती है जिसके द्वारा बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न होती है, एवं इस उथल पुथल के द्वारा बालक किसी नवीन विषय को प्रकट करता है। इस प्रकार की जो विधि होगी वो मस्तिष्क उद्वेलन विधि होगी। और इस विधि में बालकों के मस्तिष्क को सक्रिय करने और समस्या समाधान हेतु उकसाया जाता है। और इस विधि में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। वो कौन सी विधि होगी, मस्तिष्क उद्वेलन विधि होगी। चल प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। फिर से रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न अलग अलग ईयर में पूछा गया है, अलग अलग पेपर में पूछा गया है। क्या मॉर्गन है, मूरे है, दोनों है या फिर मोरेनो है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मूरे के साथ साथ मॉर्गन भी दे दे तो भी सही आंसर होगा। सी डी मॉर्गन और एच ए मूरे, है ना, ये दोनों ही क्या है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से संबंधित रखते दोनों के द्वारा ही इसका प्रतिपादन किया गया है। तो एक एवं दो, दोनों सही होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। इसकी जानकारी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दी थी। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण इसे कहा जाता है। इसके प्रतिपादक मार्गन एवं मूरे हैं। 1935 में इसका प्रतिपादन किया गया था। इनके कार्ड के सहारे व्यक्तित्व का इनके द्वारा परीक्षण किया जाता है। कुल कार्ड की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 31 होती है। 10 कार्ड पुरुषों से संबंधित होते हैं, 10 कार्ड महिला से होते हैं, और 10 कार्ड दोनों से संबंधित होते हैं। कुछ पुरुष बने होते हैं तो कुछ महिला बनी होती है बाकी के 10 कार्डों में। और जो एक कार्ड होता है वो क्या होता है, खाली होता है। और इसमें बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। और कम से कम 10 कार्ड पर कहानी लिखवाने को कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको जानकारी दी थी। और इसका जो प्रयोग है वो 14 वर्ष से अधिक बालकों पर ही किया जाता है। कौन से परीक्षण में, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। देखिए अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा नहीं किया गया, क्या स्किनर के, बी एस ब्लूम के, थोंडाइक के, कोहलर के। तो यहां पर देखिए स्किनर के, थोंडाइक के और कोहलर के, इनके बारे में आपने काफी पढ़ा होगा। तीनों के द्वारा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। बी एस ब्लूम के द्वारा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया है। इनके द्वारा वर्गीकृत किया गया है। क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। देखिए यहां पर बी एस ब्लूम ने किसी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, बल्कि इनके द्वारा क्या क्या किया गया है, वर्गीकरण प्रस्तावित किया गया है। क्या किया गया है, वर्गीकरण प्रस्तावित किया गया है। और ब्लूम के इस वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से इसे जाना जाता है ना, ये याद रखिएगा। इसे किस नाम से जाना जाता है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव के नाम से जाना जाता है ब्लूम के इस वर्गीकरण को। और ब्लूम के वर्गीकरण के सीखने के इन्होंने कितने पक्ष बताए हैं ब्लूम ने, तो याद रखिएगा तीन पक्ष बताए। कितने, तीन, कौन कौन से, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। मैं यहां पर आपको बता दूं कि इनके द्वारा संज्ञानात्मक पक्ष के भी पक्ष को भी इन्होंने 6 भागों में बांटा है, भावात्मक पक्ष को भी इन्होंने 6 भागों में बांटा है, और क्रियात्मक पक्ष को भी इन्होंने 6 भागों में बांटा है। अब 6 कौन कौन से हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में जानते हैं। सॉरी,
देखिए यहाँ पर संज्ञानात्मक पक्ष की जो 6 भागों में बांटा है वो क्या है, ज्ञान है, अवबोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन है। सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक पक्ष में जो 6 पक्ष बांटे हैं उनमें से संज्ञानात्मक पक्ष कौन सा है ना। यदि आपको ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन के बारे में पता होगा तो सीधे सीधे आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। अब भावनात्मक पक्ष को भी यहाँ पर 6 भागों में बांटा है, वो कौन कौन से आपके, अभिग्रहण करना है, अनुक्रिया करना है, मूल्य आंकना है, मूल्यों का संधारण करना है, मूल्य पद्धति का संगठन करना है और चरित्रीकरण करना है। ये 6 प्रकार के जो यहाँ पर बताए गए हैं ये भावात्मक पक्ष के हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आपका संज्ञानात्मक पक्ष में आएगा, कौन सा भावात्मक पक्ष में आएगा और कौन सा क्रियात्मक पक्ष में आएगा। अब क्रियात्मक पक्ष को भी 6 भागों में बांटा है। पहला है आपका उत्तेजना, कार्य करना, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण, ये भी 6 भागों में बांटा गया है क्रियात्मक पक्ष। तो ये विशेषकर ध्यान देना है कि संज्ञानात्मक पक्ष में कौन से 6 भाग आएंगे, भावात्मक पक्ष में कौन से 6 भाग आएंगे और क्रियात्मक पक्ष में कौन से 6 भाग आएंगे, इनकी जानकारी आपको बिल्कुल अच्छे से रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया, हल के, थॉर्नडाइक के, होगार्डे के या फिर स्किनर के। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में मैंने आपको बताया था ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये स्किनर के द्वारा दिया गया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, स्किनर के द्वारा। इसका प्रयोग कब किया गया था, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है स्किनर ने कब दिया था, तो ये 1938 में दिया गया था। कब? 1938 में। और इस किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चूहे पर किया था 1930 में और कबूतर पर किया था 1943 में। यदि इसके अन्य नाम के बारे में पूछे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम क्या है, तो ये 5 नाम मैंने आप यहाँ पर रखे हैं। इसे आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इसे सक्रिय अनुबंध के सिद्धांत के नाम से भी, अभिक्रमिक अनुदेशन सिद्धांत के और नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 प्रकार के इसके उपनाम है या फिर अन्य नाम है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था, विक्टर ब्रूम के, मास्लो के, हर्ज़बर्न के या फिर स्किनर के। तो अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए ये विक्टर ब्रूम के द्वारा अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया था, जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहां पर देखिए अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत जैसे कि मैंने आपको बताया विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया, कब दिया गया, 1964 में, है ना। और यहां पर मास्लो विकल्प में था आपका, हर्ज़बर्ग था, स्किनर था, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यदि पूछ जाए सीधे सीधे कि पदानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो मास्लो के द्वारा, प्रेरणा सूचिता का सिद्धांत है हर्ज़बर्ग के द्वारा और क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत ये स्किनर के द्वारा दिया गया है। यदि ये आपसे पूछ जाए तो यहाँ पर भी आपको गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न, भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बर्नस्टीन के, चोम्स्की के, फिल्मर के या फिर स्किनर के। तो भाषा रूपांतरण सिद्धांत के बारे में पूछे तो आपका सही आंसर क्या होगा, चोम्स्की, है ना, भाषा रूपांतरण, तो यह चोम्स्की के द्वारा दिया गया था। सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। और नाम चोम्स्की कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था, 1959 को किया गया था इनके द्वारा भाषा रूपांतरण सिद्धांत का प्रतिपादन, है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो सीखने का प्रयास व भूल का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये फिर से रिपीटेड प्रश्न है और ये हर अलग अलग वर्ष में पूछा गया है, अलग अलग पेपर में पूछा गया प्रश्न है। कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर गेस्टाल्ट। थोड़ी देर पहले ही इसकी भी बात हमने की थी, आपको पता होगा कि सीखने का जो प्रयास व भूल का सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है, तो यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। और ये सारी जानकारी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताई थी, तो ये यहां पर मैं नहीं पढ़ूंगा बार बार, है ना। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कितने नियम है, कितने मुख्य नियम है, कितने गौण नियम है, इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको जानकारी दी थी। एक यहाँ पर नया पॉइंट है कि यदि आपसे पूछा जाता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, ये इवान पावलोव के द्वारा प्रस्तावित किया गया है क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। यहां पर देखिए जो इनका सिद्धांत है पावलोव का,
इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, सीधे सीधे पूछा गया, बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या फिर चूहे पर। तो इन सभी जो इंपोर्टेंट यहाँ पर वैज्ञानिक निकल के आए हैं उन सभी के बारे में थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। सबसे पहले इसका सही आंसर जान लेते हैं, सही आंसर क्या होगा, कुत्ते पर। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते पर किया था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था। कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। किस पर अपना प्रयोग किया था, कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। थर्नडाइक की बात करें तो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। स्किनर की हम बात करें तो इनने जो सिद्धांत दिया वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, प्रयोग इन्होंने चूहे पर किया था और कबूतर पर किया था। कोहलर की हम बात करें तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया और प्रयोग सुल्तान नामक चिंपाजी यानी कि वन मानुष पर इनके द्वारा किया गया, ये कुछ समय पहले ही हमने आपको बता दिया था। अगला प्रश्न है आपका, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट, उपरोक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, इसके बारे में भी कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया था। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था और वही सब चीजें यहां पर फिर से लिखी हुई है और ये सारी चीजें मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया हूं, है ना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, विकास का परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यहाँ कथन के बारे में पूछा गया कि यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है, गेसेल के, डगलस और हॉलैंड के, मेरेडिथ के या फिर हरलोक के। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये कथन हरलोक के द्वारा दिया गया है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। अगला प्रश्न है आपका, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, सिगमंड फ्रायड है, अल्पोर्ट है, गिलफोर्ड है या फिर दो व तीन दोनों है। तो यहाँ पर मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे, सिगमंड फ्रायड होंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसकी सारी जानकारी दी थी कि मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन होंगे, फ्रायड होंगे। कहाँ के रहने वाले थे, तो ऑस्ट्रेलिया, वीना के रहने वाले थे। इन्होंने मन के कितने स्तर बताए हैं, तो इनके द्वारा मन के तीन स्तर बताए हैं, चेतन मन जो कि 10% है या फिर 1/10 भाग है, अर्ध चेतन मन, और तीसरा मन है अचेतन मन जो कि 90% है या फिर 9/10 भाग है। साथ में मन के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व के तीन भाग बताए हैं, पहला है आपका इड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीन भाग है या फिर कह सकते हैं इदम, अहम और पराहम। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियां कितने बताई है, तो दो भागों में इन्होंने बांटी या फिर दो भाग इनके द्वारा बताए गए हैं, जीवल मूल प्रवृत्ति जिसे इरोस कहा जाता है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसे थेनाटोस कहा जाता है, और फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है, बर्फ से की है, यदि पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव या फिर वुडवर्थ, है ना। तो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत है वो किसके द्वारा किया गया, तो यह दिया गया था आपका कोहलर के, है ना। सूझ द्वारा सीखना जो सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादक कौन होंगे, आपके कोहलर होंगे, और कोहलर द्वारा जो सिद्धांत है सूझ अथवा अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत है, और कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया है सुल्तान नामक चिंपांजी पर, इनका इन्होंने अपना अध्ययन किया है ना। और अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत की जो व्याख्या है वो तो कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो कि 1959 में ने प्रकाशित की थी, इसमें दी है। यदि पुस्तक के बारे में पूछे तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आपको याद रखना है, और इसे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है, किसको, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत को। साथ में गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो कितने संपत्तियों पर कार्य करता है, 5 संपत्तियों पर कार्य करता है, लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और पूर्ण संगठन, ये 5 प्रकार के संपत्ति बताए गए हैं। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल 35 प्रश्न मिलेंगे, यूं तो टोटल आपको यहाँ पर 70 प्रश्न मिलने वाले हैं, लेकिन इस पार्ट में आपको 35 प्रश्न ही मिलेंगे। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, यह प्रश्न भी आपके यूपीटेट एग्जाम में पूछा गया है। डब्ल्यू वुंटर, सिगमंड फ्रायड, पावलोव, वाटसन, इसके बारे में सभी को पता है, जो दी थी विलियम उंट के द्वारा दी थी। मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो डब्ल्यू उंट या फिर विलियम उंट के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1879 में, 1879 में विलियम उंट ने जर्मनी के लिप्जिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी या फिर स्थापित किया था। यहाँ पर लिप्जिंग भी आपको साथ में ध्यान रखना है, जर्मनी के लिप्जिंग में, है ना, और सन आपको याद रखना है 1879।
तो यहाँ पर आज के जो 35 प्रश्न थे जो कि बाल विकास के सिद्धांत के 2011 से लगाकर 2022 की जो आपकी यूपी टेट एग्जाम हुई है उसमें पूछे गए प्रश्न थे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।